सोनिया जी, इतनी रात गए, आइए ना, आइए बैठिए। प्लीज बैठिए। ये आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोगों ने मुझे अंदर आने दिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। मैं आप लोगों से माफी मांगने आई हूं। मैंने कल गुस्से में आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया। आप लोग जब तक मुझे माफ नहीं करोगे, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हैं सोनिया जी आप? आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आपका पूरा हक बनता है, जो मन में आए कह सकती हैं आप हमें। ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे माफ कर दिया। अरे, और आपने भाई साहब, किट्टू, तुमने मुझे माफ किया। आंटी, मैं आपसे तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। अच्छी, मैं किट्टू, अगर तुम इसे नहीं लोगी तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। आंटी, मैं वो इतना कह रही है तो रख लो, लेगी वो। आंटी, ओह माय गॉड, आंटी इसकी क्या जरूरत थी? किट्टू, ये काजल, बाय द वे, ये कौन है? ये काजल हमारी सांवरी की बहन, आजकल हमारे घर में ही रहती है। नमस्ते। ओ सॉरी, रोहन भैया की मम्मी, मैंने आपकी गाड़ी बाहर देखी। मैं आपको जानता हूँ लेकिन आप मुझे नहीं जानते। मैं चीकू हूँ, अगर आज मैं नहीं होता ना तो रोहन भैया और किट्टू की लव स्टोरी कभी नहीं होती। रियली? अरे हाँ, याद आया, कल सुबह हमारे घर पे प्रवचन है। मैं चाहती हूँ आप किट्टू और सावरी जरूर आए। एक्चुअली आंटी, कल मुझे आएंगे ना? जरूर आएंगे, मेरे किट्टू को ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हम आएंगे आएंगे, है ना? ठीक है, तो मैं चलती हूँ। नमस्ते। नहीं नहीं, हम आ रहे हैं ना छोड़ने आपको। सबको इस फिल्म स्टार की शादी देखनी है, वो भी तीसरी। नटराजन, लोग सच में पागल हैं और हम यहाँ पे 24 घंटे के बाद सीरीज। थैंक्स अ लॉट। अच्छा, रोली वापस आई क्या? नहीं तो क्यों? अरे यार, जोगी जी लेट नाइट बुलेटिन के लाइनअप के लिए पूछ रहे थे और वो सिर्फ रोली के पास है। चली, ये रहा लाइनअप। थैंक गॉड यार, थैंक गॉड। चेक करो इसे। कृतिका कहाँ है? कृतिका दक्षा मैम की बेटी। ओह माय गॉड, तो मेरे पीछे आ रही थी। ढूंढो यार। You're bad, you know what? There she is. Oh, she's so cute. नटी, अब इसके बारे में कोई भी बात नहीं करेगा, ओके? क्यों? अगर सड़ू झुकी और खड़ूस युवराज ने देख लिया कि इस ऑफिस में कोई बच्चा है तो हम तीनों को नौकरी से निकाल देगा। मैं बच्चा नहीं। हाँ बेटा, आप बच्चा नहीं हो। चलो हम वहाँ बैठते हैं। बच्चा बहुत बैठेगी। ओके, मम्मी कहाँ है? किसकी मामा?
इसकी मम्मी चुप बेटा मम्मा आ जाएगी ठीक है मम्मी को पता था मैं आ रही हूँ फिर भी वो चली गई अब वो आने वाली है बेटा हाँ वो जल्दी आ जाएगी ठीक है मम्मा जल्दी आ जाएगी माय गॉड शैतान है यार ये लड़की शैतान शैतान की नानी है नानी अपनी मम्मी पे गई है मैं ही चली जाती हूँ, ओके? It's okay. I'm sorry. बैठो। Look, रोहन, किट्टू के बारे में मेरी ओपिनियन गलत थी। वो एक्चुअली एक अच्छी लड़की है। लेकिन कभी-कभी हो जाता है, रोहन। अगर मेरे डैड मुझे बताते कि किसी ने उनकी इंसल्ट की है, तो शायद मुझे भी बुरा लगता। तो यही चीज़ तो मेरी मॉम को जाकर क्यों नहीं समझाती नंदनी? I think you're quite close to her, ain't you? Yes, रोहन, मैं उन्हें समझाती। लेकिन तभी जब मुझे पूरा यकीन होता कि सोनिया आंटी ने उनकी इंसल्ट की है। What do you mean? I mean everybody has their own version of the story. तुम्हारे कहने का मतलब है कि किट्टू झूठ बोल रही है? नहीं रोहन, लेकिन शायद उसके पापा ने उसे बताया हो कि सोनिया आंटी ने उनकी इंसल्ट की। All I'm trying to say is कि जिस तरह किट्टू अपने पापा को ट्रस्ट करती है उसी तरह तुम्हें भी अपनी मम को ट्रस्ट करना चाहिए। शायद आंटी का इंटेंशन उनको इंसल्ट करने का नहीं था और उनकी किसी बात को अंकल ने इंसल्ट मान लिया हो। शायद। देखो रोहन, एक फ्रेंड की हैसियत से कह रही हूँ, नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को ठुकराना नहीं चाहिए। या। थैंक्स नंदनी। थैंक्स फॉर मेकिंग मी फील बेटर। दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर। एक्सक्यूज मी। मुझे कोई जल्दी नहीं है रोहन, but I'll make sure कि तुम्हारी जिंदगी से उस बस्ती वाली को निकालकर मैं अपनी जगह वापस ले लूं। ओके बाबा, हम उसे वेफर्स और चॉकलेट नहीं देंगे। अब आप क्यों चिंता कर रही हैं? मैम, she is fine. हम, मैम, don't worry. जोगी और युवराज अर्थक्वेक के टेलीकास्ट में बिजी हैं। वो कृतिका को नहीं देख पाएंगे। आप देखिए, आप फिकर मत कीजिए, हम उसे कहीं ना कहीं छुपा देंगे। ओके ओके मैम, बाय। ओह माय गॉड, अरे रवि, ये वेफर्स तो मुझे दे दो। कृतिका, आप मेरी अच्छी कृतिका, मेरी प्यारी कृतिका, ये वेफर्स मैं ले लूं? नहीं। अच्छा, मैं तुम्हें ना बलून लेके दूंगी, ओके? नहीं। अच्छा, कृतिका, दे दो वो। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। शैली, ये तुमने क्या किया? तक्षा मैम ने अभी मुझे फोन पर कृतिका को चॉकलेट्स देने से मना किया था और तुमने उसे चॉकलेट्स दे दिए, इडियट। अरे बच्चा चॉकलेट नहीं खाएगा तो क्या हम खाएंगे? कृतिका, अच्छी कृतिका, ये चॉकलेट्स तुम दीदी को दे दो प्लीज। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते आंटी। क्या मैं अपनी होने वाली बहू से कुछ बातें कर सकती हूँ? हाँ हाँ, कीजिए ना, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू सो मच आंटी, मैं आपकी ये विजिट कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी नहीं किट्टू, वहां अंदर हर एक पल मेरा खून खोल रहा था। But now I'm feeling quite relieved. मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने कोई जंग जीत ली हो। जी? मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि तुमने मेरे बेटे पे कुछ जादू कर रखा है। आज पहली बार उसने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ मेरे बेटे की कमजोरी क्या है। उसकी कमजोरी हो तुम। अपने बेटे को वापस पाने के लिए
मुझे तुम्हें कंट्रोल में करना होगा। एंड दिस इज जस्ट द बिगिनिंग स्वीट हार्ट। गॉड, क्या हुआ? वो बच्ची कहीं खो गई क्या? मैं बच्ची नहीं हूँ। तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? जोगी और युवराज किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। I know नटी, लेकिन हम इसे अकेला भी नहीं छोड़ सकते ना। और इसे ये भी देखना था कि हम काम कैसे करते हैं। मुझे बताया है, यहाँ बच्चे अलाउड नहीं है। मैं बच्ची नहीं हूँ। अब तुम ही समझाओ इसे। हाँ, तुम समझाओ। कृतिका, अगर आप बच्चे नहीं हैं, तो आप बिल्कुल ये सब नहीं छेड़ोगे और आराम से एक जगह बैठोगे। ये हमें पक्का फंसवाएगी। भाई ठीक तो हो? आज कहीं जाना नहीं है? नहीं। ठीक है, तो सोनिया जब किट्टू के घर से वापस आएगी तो मैं उसे कह दूंगा कि रोहन हम बूढ़ों को कंपनी देना चाहता है। क्या क्या कहा आपने? यही कि हम ओल्डीज को कंपनी देना चाहता है। नहीं, उससे पहले क्या कहा आपने? उससे पहले सोनिया जब आएगी। कहां से? तुमने ठीक सुना बेटा, सोनिया किट्टू के घर गई है उनके फादर से माफी मांगने के लिए। ओह माय गॉड अंकल, दिस इज द हैप्पीएस्ट न्यूज़ ऑफ माय लाइफ। थैंक्स अ लॉट। अरे यार, मेरी हड्डी पसली तोड़ेगा क्या अंकल? बिलीव मी, एक सेकंड पहले मुझे ऐसा लगा कि मेरे किट्टू को हमेशा के लिए खो दिया। नाउ ओह गॉड, आई मस्ट कॉल हर। किसको फोन कर रहा है बेटा? किट्टू ऑफ कोर्स। बेटा अभी तो वो सो रही होगी, और वैसे भी सबसे पहले तुम्हें सोनिया को थैंक यू करना चाहिए। You're right, uncle. ऐसा करो, अभी वो रास्ते में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे, थैंक यू कह देना। Okay, uncle. Thanks. Thanks. या हाय हाय, इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। अर्थक्वेक भी बिना बताए चले आते हैं, पूरी रात खराब कर दी। ये किसका बच्चा है? मैम की बेटी है। एक्चुअली सर, दक्षा मैम वो बुटेलकर वाली रिपोर्ट कवर करने के लिए बाहर गई है, और इसीलिए इसे बोर्डिंग स्कूल से पिकअप करने वाला कोई नहीं था। हम लोग इसे यहाँ ले आए। ओ, तो क्या ये चाइल्ड केयर सेंटर? डोंट यू नो यहाँ पर बच्चे अलाउड नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम एक छोटी सी बच्ची को बाहर अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? आखिर दक्षा मैम ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी है। माइंड ब्लोइंग। तो आप इसे यहाँ लेकर आए ताकि अपना काम छोड़कर बेबी सिटिंग का बिजनेस शुरू कर सको। आप क्या कह रहे हैं सर? काम तो अच्छी तरह चल रहा है ना सर? कौन है ये? सर ये वो दक्षा मैम की बेटी है, कृतिका। चलो मेरे साथ।
आज तो तुम्हें मैंने बख्श दिया। आइंदा मेरे साथ जुबान लड़ाने की कोशिश मत करना। Got that straight? अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है, मेक श्योर एन एसी कार गोस एंड पिक्स अप। हाँ, उन्हें पोल्यूशन से एलर्जी है, एंड मेक श्योर शी इज कंफर्टेबल इन द गेस्ट हाउस। थैंक्स, बाय। रोहन, थैंक्स मॉम, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स किस लिए? हाँ, किट्टू के पापा को सॉरी कहने के लिए। आई हैड टू डू इट। मुझे कोई हक नहीं था उनकी इस तरह से इंसल्ट करने का, सो आई हैड टू अपोलोजाइज। नहीं मॉम, गलती तो मेरी भी थी ना। मैं भी पता नहीं क्लब में आपको क्या क्या बोल गया, बट आई डोंट नो, किटू इतनी अपसेट थी कि मैं भी अपसेट हो गया, एंड आई एम सॉरी मॉम, एंड आई प्रोमिस यू कि आइंदा किट्टू को लेकर आपके और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड आई एम श्योर कि किट्टू के इस घर में आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा। दिस हाउस इज गोना बी फिल्ड विद जॉय एंड हैप्पीनेस। ऑफ कोर्स। थैंक्स अगेन मॉम। आई एम सॉरी, यू कैरी ऑन। तुम क्या कर रही हो?